Hey guys, welcome back to our YouTube channel and this side is Lochan. टाइटल देख के आप सभी को ये तो आइडिया हो ही गया है कि ये वीडियो बालकनी मेकओवर पर है। इस टाइप की वीडियोस जनरली मैं अपने चैनल पर अपलोड नहीं करती हूँ, बट इंस्टाग्राम पर जब मैंने अपने बालकनी की पिक्चर एंड रील शेयर किए तो काफ़ी सारी मुझे रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ आप कोई बालकनी टूर करवाएं या फिर बालकनी मेकओवर वीडियो हमारे साथ शेयर करें, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है। वीडियो को जब आप कंप्लीट देख लेते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है एंड फ्यूचर में भी आप इस तरह की कोई मेकओवर वीडियो देखना चाहते हैं क्या। सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बालकनी का जो लेंथ है वो है 10 फीट एंड जो इसकी चौड़ाई है वो है 3.6 फीट। आई नो बालकनी का साइज़ बहुत छोटा है, बट अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली है। क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हम नहीं करेंगे, बट इस तरह के हुक्स हम यूज़ करेंगे प्लांटर्स को हैंग करने के लिए। हैंग करने के लिए कुछ इस तरह के हैंगिंग प्लांटर्स हम यूज़ करेंगे। ये बहुत ही कॉमन है, आपको कहीं पर भी इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप भी इस तरह के प्लांटर्स यूज़ करते हैं तो। आपने ये नोट किया होगा कि जब हम वॉल पर इन्हें हैंग करते हैं तो ये थोड़े से आगे की तरफ झुक जाते हैं एंड जब हम इसमें वाटर डालते हैं तो वाटर एंड साथ ही में मिट्टी भी बाहर की तरफ गिरती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी वॉल की तरफ जो चेन रहने वाली है उसके अंदर से आप इस तरह से एक कड़ी को कम कर दें, और जब आप इन्हें हैंग करेंगे तो आपका जो ये प्लांटर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आगे की तरफ झुकेगा नहीं। और जब आप वॉल को टच किए बिना हैंग कर रहे हैं तो इसे नॉर्मली हैंग कर सकते हैं। इन प्लांटर्स में जो मैंने प्लांट यूज़ किए हैं उन्हें मैंने नेचुरली ही रहने दिया है, बट जो यहाँ पर पोथोस है उसे मुझे अपवर्ड ग्रो करवाना है, तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा DIY यहाँ किया है। सिंपल इस तरह से स्टिक्स लेके मैंने लैडर क्रिएट किया है और उसकी हेल्प से हम इसे अपवर्ड ग्रो करवाएंगे। ये बहुत ही सिंपल DIY है। सिंपल लैडर क्रिएट करना है, सॉइल में फिक्स करना है एंड देन उसे हैंग कर देना है। इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो एक वॉल पर हमने हैंग की है टर्टल वाइन, मनी प्लांट एंड टेंगल्ड हार्ट, एंड दूसरी वॉल पर हमने हैंग किया है ऑफिस फ्लावर्स, पोथोस एंड एस्पेरेगस। यहाँ रेलिंग के पास स्पेस काफ़ी कम है तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह के प्लांटर्स को यूज़ करेंगे। इसमें अगेन मैंने मनी प्लांट ही लगाया है एंड यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये बकेट या फिर ये जो डस्टबिन होता है उनके जो टूटा हुआ हैंडल है उसे मैंने फ़िक्स किया है। आप चाहे तो इसके ऊपर जूट रॉप भी लगा सकते हैं और फिर इसे फ़िक्स कर सकते हैं। जब मनी प्लांट इसे अच्छे से कवर कर लेगा तो इसमें आप मिनिएचर गार्डन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है रोयो, ये प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है। नाउ ये है क्रोटोन और ये है मिनी जैस्मिन प्लांट। इस पर काफ़ी छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये है गोल्ड डस्ट क्रोटोन। तो इस तरह से 5 to 6 प्लांटर्स मैंने यूज़ किए हैं इस स्पेस को यूज़ करने के लिए। यहाँ कुछ और स्पेस बचा हुआ है तो उसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये राउंड प्लांटर्स यूज़ किए हैं एंड इन्हें रोप की हेल्प से कुछ इस तरह से टाई कर दिए हैं। स्पेस कम होने की वजह से ये नीचे ना गिर जाए, नीचे मीन्स बाहर की साइड नहीं बट बालकनी में भी ना गिरे, जस्ट इसीलिए इन्हें टाई कर दिया है। इस एरिया में कुछ इस तरह का ड्रेनेज होल बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही ओपन रहे, तो जब भी हम बालकनी क्लीन करते हैं या उसे वॉश करते हैं तो थोड़ा सा इजी होता है अगर आप इसके आसपास बहुत ज़्यादा प्लांटर्स या कुछ भी आप इसके आसपास ना रखें तो। सो इसीलिए हम एक शेल्फ क्रिएट करेंगे तो उससे ये जो ड्रेनेज होल है वो हाइड भी हो जाएगा एंड हमारा पर्पज़ भी सॉल्व हो जाएगा। शेल्फ बनाने के लिए मेरे पास कुछ इस तरह से वुडन प्लैंक्स रखे हुए हैं, तो इन्हीं को अरेंज करके हम शेल्फ बनाएंगे। इन वुडन प्लैंक्स की एक साइड जो है वो रेलिंग के नीचे जो ये स्पेस है इसके ऊपर है और दूसरी जो साइड है वो एक प्लांटर स्टैंड है उसके ऊपर टिका हुआ है। बालकनी में आप अगर इस तरह के वुडन प्लैंक्स यूज़ करते हैं तो इन्हें फर्स्ट आप वार्निश कर लें अच्छे से, तो वो पानी से ख़राब नहीं होंगे। इस तरह का हैंगर हम वॉल में फिक्स कर सकते हैं एंड इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम प्लांट्स को अरेंज कर सकते हैं।
ये 3-टायर मैक्रमे प्लांट हैंगर भी DIY किया हुआ है और इसका वीडियो भी मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, तो जब कभी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। यहाँ कॉर्नर में एक दो प्लांट और हम ऐड कर देंगे एंड ये जो पाइप है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ ये यूज़ कर रही हूँ स्टेंसिल और इसको हम इस तरह से स्टिक करके इसके ऊपर चॉक पेंट या एक्रिलिक पेंट किसी की भी हेल्प से हम इसे कलर करेंगे। आपके पास अगर इस तरह के स्टेंसिल नहीं है तो भी आप ब्रश की हेल्प से कोई स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स बना सकते हैं, बटरफ्लाई बना सकते हैं या कुछ भी क्रिएटिविटी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जो शेल्फ हमने बनाई थी उसके ऊपर हमें एक और हैंगिंग शेल्फ भी लगानी है तो उसको बनाने के लिए आप इस तरह से वुडन प्लैंक ले सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो प्लैंक आप यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए और फिर इसके ऊपर 4 होल करके इसके अंदर से हमें रोप को कुछ इस तरह से टाई करना है। ये शेल्फ बहुत ही ईजिली बन जाती है, कोई इसमें स्पेशल प्रोसेस नहीं है तो इसीलिए इसका प्रोसेस भी मैंने शेयर नहीं किया है। सिंपली आपको 2 रोप लेनी है और एक तरफ के जो 2 होल है उसी में से इसे पास करना है और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करना है एंड बीच में जो है वो इस तरह से रिंग को फिक्स करना है। शेल्फ की बैक साइड में जो आप नोट्स लगा रहे हैं उन नोट्स को आप एटलीस्ट 3-4 तो आप लगाए ही तो आपका जो ये शेल्फ है वो अच्छे से वेट को होल्ड कर पाएगा एंड देन इसे अच्छे से हैंग कर दें और इसे आप चाहे उस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इस शेल्फ को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ टोपियारी, कुछ छोटे छोटे प्लांटर्स और कुछ डेकोरेटिव पीसेस। इस टोपियारी को बनाने के लिए मैंने जेट प्लांट यूज़ किया है बट शिफ्टिंग में और थोड़ा इसके ऊपर कुछ डिजीज़ भी हो गया था तो उसकी वजह से ये प्लांट ख़राब हो गया है तो अभी फिर से ये ग्रो कर रहा है और जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा, पूरा अच्छे से भर जाएगा तो ये टोपियारी बहुत सुंदर लगेगी। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्होंने इस टोपियारी की रील भी देखी है तो उन्हें पता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल लगती है। यहाँ मैं एक छोटू सा वीडियो क्लिप ऐड करना चाहती हूँ इस टोपियारी का। ये एक्चुअली अभी का नहीं है, 5-6 मंथ्स पुराना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब जेट प्लांट अच्छे से भर जाएगा तो ये हमारी टोपियारी कितनी ब्यूटीफुल लगती है। एंड ये वो प्लांटर है जिसके ऊपर हमारा जो नीचे वाला शेल्व है वो टिका हुआ है। नाउ टर्न आता है इस शेल्फ को डेकोरेट करने का, तो उसके लिए एक प्लेट लिया है एंड उसके अंदर 2 प्लांटर्स को अरेंज किया है। उसमें एक में लगाया है हमने मॉन्स्टेरा एंड एक में हमने लगाया है टेंगल्ड हार्ट और जो बॉटल है इसके अंदर हमने लगाया है मनी प्लांट एंड साइड में हमने रखा है बुद्धा स्टैचू एंड कुछ पेबल्स एंड स्टोन्स के साथ में इस प्लेट को डेकोरेट किया है एंड बैक साइड में हमने जो ये बुद्धा का वॉल म्यूरल बनाया था उसी को डेकोरेट किया है। नाउ ये है जीजी प्लांट एंड दिस इज स्नेक प्लांट और ये है मनी प्लांट। ये बॉटल आर्ट भी हमने इसी चैनल पर किया था, इन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बालकनी का एक साइड तो हमारा अच्छे से डेकोरेट हो गया है बट जो दूसरी साइड की वॉल है ये थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है, इसके लिए हम एक DIY करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कैनवास को इस तरह से 6 पीसेस में कट किया है। आप यहाँ चाहे तो MDF बोर्ड या फिर कोई भी वुडन के पीसेस भी ले सकते हैं। ट्राई करें कि आप इसे कार्डबोर्ड से ना बनाएं क्योंकि बालकनी में वाटर तो उसे टच करेगा ही तो उसकी वजह से आपका DIY ख़राब हो सकता है। नाउ इन्हें आपस में स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर ये क्ले यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर MCL यूज़ कर सकते हैं या फिर हॉट ग्लू गन की हेल्प से भी आप इन्हें स्टिक कर सकते हैं और जब ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा तो इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो एक्रिलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और जब कलर अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर हमें एक कोट वार्निश का अप्लाई करना है तो जो ये हमारा कलर है वो अच्छे से सील हो जाएगा एंड देन इस विंडो को आप डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह के आर्टिफिशियल क्रीपर की हेल्प से या फिर इसके पीछे आप कर्टेंस लगा सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसे कैसे डेकोरेट करते हैं।
एंड यहाँ पर कॉर्नर में मैं यूज़ कर रही हूँ ये बर्ले फ्लावर्स, ये भी हैंडमेड है। इनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसे हैंग करने के लिए इस तरह से बैक साइड में मैंने ये क्लिप स्टिक किया है। इसे मैंने अगेन एयर ड्राई क्ले की हेल्प से ही लगाया है। आप चाहे तो यहाँ पर एमसील भी यूज़ कर सकते हैं। सो उस वॉल के कॉर्नर में मैंने ये पपेट्स हैंग किए हैं एंड सेंटर में इस विंडो को हैंग किया है। एंड इस विंडो के जस्ट नीचे कुछ इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट हमने सेट किया है। आपने इस बालकनी में नोट किया होगा कि यहाँ पर मैंने ज़्यादातर थिंग्स को DIY किया है। जी हाँ, यहाँ पर ये जो कुशन कवर है ये भी हैंडमेड एंड हैंड पेंटेड है। तो कैसा लगा है आप सभी को ये वीडियो? आपने देखा ना, कम बजट में भी हम अपनी बालकनी को इतना अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, तो जब कभी भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इन सारे प्लांटर्स को अलग अलग तरह से डेकोरेट किया है। जैसे इस प्लांटर के लिए मैंने एक पुराना क्लॉथ था उसे स्टिक किया है, और ये जो प्लांटर है ये एक्चुअली एक टूटा हुआ डस्टबिन है जिसे मैंने अच्छे से पेंट किया है एंड देन इसके ऊपर इस तरह से डेकोरेटिव लेस लगा करके इसे एक अच्छा सा लुक दिया है। एंड यहाँ ये है कुछ वेस्ट बॉटल्स जिन्हें अगेन इस तरह से डेकोरेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्मॉल प्लांटर्स है इनके ऊपर अगेन मैंने वर्ली आर्ट किया हुआ है। फर्स्ट वाले के ऊपर मैंने क्ले की हेल्प से किया है एंड ये जो है इसके ऊपर मैंने सिंपली एक्रिलिक कलर से किया है एंड देन इनके ऊपर वार्निश अप्लाई किया हुआ है, तो ये पानी से ख़राब नहीं होते हैं। आप यहाँ बालकनी को डेकोरेट करने के लिए और भी वॉल हैंगिंग्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक लालटेन या इस तरह से कोई वॉल डेकोर पीस भी लगा सकते हैं। बट ट्राई करें कि जब भी आप इस तरह के प्लांटर्स यूज़ करते हैं तो वो अपने बालकनी के अंदर ही रहें, बालकनी से बाहर की तरफ लटके हुए कभी भी ना लगाएं। कभी भी ये एक्सीडेंटली गिर सकते हैं और कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत से लोग रेलिंग के ऊपर बाहर की साइड लटका करके प्लांट्स को लगाते हैं, बट वो सेफ़ नहीं है। कभी भी अगर गिर गए तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। एंड दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ आर बालकनी। ये एक्चुअली थोड़ा दिवाली के लिए भी डेकोरेट किया हुआ था, तो थोड़ा ज़्यादा लाइटनिंग है, बट आप इसे कम करके भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड साथ ही साथ में आप कॉमेंट करके मुझे ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है एंड इस तरह के मेक ओवर वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं क्या इस चैनल पर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।